फर्जी बंटवारा नामा और फर्जी शपथ पत्र सहित अन्य तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का विक्रय करने का मामला सामने आया है। इस प्रकार का फर्जीवाड़े का पता पीड़ित को काफी लंबे समय के बाद पता लगा, लेकिन जब पता लगा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद आज पीड़ित अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपना शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायती पत्र लेते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जबलपुर एसपी साहब के पास आए हुए हैं। हमारे पिताजी लोग हैं और चाचा हैं, इनके पिताजी की ज़मीन के ना आज तक कोई इनके भाइयों ने, जो हमारे पिताजी के भाई लोग थे, उनने ना कोई पेपर दिए आज तक इनकी प्रॉपर्टी के, और जो भी प्रॉपर्टियां हैं ना बताई गई कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके फर्जी नामांतरण करवा के हुए और ज़मीनें भी बेच दी गई, जो कि हम लोग को आज तक कोई पता नहीं है। हम लोग उन्होंने हमेशा पेपर मांगते रहे कि भैया इनके पेपर दे दीजिए, इनके पेपर दे दीजिए, ना कोई बोलता है हमारे पास पेपर ही नहीं है। और आप उन पेपरों से उन्होंने फर्जी नामांतरण, फर्जी दस्तावेज लगा के, कूटरचित दस्तावेज लगा के अपने अपने नाम पे कर दिए। उसकी शिकायत करने हम और हमारा पूरा परिवार, पिताजी के सब लोग आए। किसने द्वारा एक आवेदन दिया गया है पारिवारिक बंटवारे नामा, जो है उनका कहना यह है कि फर्जी बंटवारा नामा, फर्जी शपथ पत्र और कूटरचित दस्तावेज तैयार करके इनके परिवार के कुछ लोगों ने जो है काफ़ी ज़मीन इनकी बेच दिया है। वो आवेदन इन्हें दिया है। मैंने थाना प्रभारी मदन महल को से फ़ोन पे बात किया है। आवेदन भी हम उन्हीं के पास भिजवा रहे हैं जाँच के लिए, और जाँच में जाँच के दौरान ये दस्तावेज पेश करेंगे और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।